कबीले बने होते हैं, हर बंदा अपने कबीले का मालिक होता है। एक कबीले का बादशाह होता है वो बड़ा, यानी कि थोड़ा ना दूसरे कबीले वालों से ज़रा छोटा होता है, उसकी आबादी कम होती है, पैसे वैसा भी कम होता है, हर चीज़ कम होती है। क्या होता है, बड़े कबीले वाले का एक बंदा आता है, मशीर आके इसे इसे ना इसे मिलता है, इसे बातें वगैरह करता है, दो चार मुहादे करता है। जो बंदा आता है ना बड़ी ना, उससे थोड़ा अक्कड़पन होता है कि मैं बड़े कबीले से हूँ, छोटे कबीले से हैं। बादशाह कहता है मैं फिर भी, आप बेशक मैं छोटे कबीले से लेकिन हूँ तो मैं बादशाह ना। बादशाह जरा उसे दो दिन खड़का देता है उसके ना, तो उसे सुनाता है बादशाह से भी सुनाता है, उसे प्रोटोकॉल भी कुछ नहीं कहता, चल भाग यहाँ से तेरी ऐसी की ऐसी। बादशाह के सामने हो गए कैसे कट दिखा रहे। क्या होता है उसके बाद जब वो जाके बताते ना बादशाह को, बादशाह कहता है अच्छा, इनके अब उसके पर निकलना शुरू हो गए हैं, अपनी राया में जाके अपनी फौज में ऐलान कर देता है एक महीने के बाद हमने जंग करनी है, उस कबीले को भी फतह कर लेना है, उसे गुलाम बना लेते हैं उसकी ऐसी की टैसी। बादशाह जब इस तरह कहता ना, यहाँ पे लोगों मुकबरी तो इस तरह होती है हमारे माशरे में, लोग बता देते हैं, पता चल जाता है, इसे बड़ा परेशान होता है, कहता है ये तो बड़ा मसला बन गया, हमारे तो हालात भी इस तरह के नहीं, हमारे पास कुछ इतने ज़्यादा हथियार भी नहीं है, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। उसके ना उसके पास एक वज़ीर बड़ा समझदार होता है, कहता है बादशाह सलामत, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत बच जाए, मरना है आज भी मर सकते हैं, और जब एक महीने के बाद जाके हम पे जंग करेंगे तब भी हम मर सकते हैं, अगर उससे माफ़ी मांगते हैं फिर भी मरेंगे, मरना हर तरह से है। अक्लमंदी क्या, उनसे पहले उन्होंने भी तैयारी नहीं की हुई, अब वो उन्हें वो अपने उस होश में भी नहीं होंगे, उन ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं होंगे, मरना है हमने हर तरह, ये ना ट्राई कर लेते हैं, हम पहले उनसे पहले हम हमला कर देते हैं, उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होना, हमने उनकी ऐसी की टैसी जा देनी है। ठीक है, बात तो ठीक है, मरना है तो फिर करते हैं। फौज उठाता है सारी, दो हफ्ते पहले ही फौज उठाता है सारी की सारी, दरिया के पार जाके कश्ती सारी जला देता है और उन पर हमला कर देता है। फिर जब हमला करते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता, जल्दबाजी ये वो फतह कर लेता है, कश्तियाँ जला दी। ईमान यानी कि उन्हें यकीन इस कदर था कि मरना है हमने, जब उन्हें ये पता था मरना है तो फतह हासिल होगी। इससे क्या होता है, जौन सा भी काम करना उसे छोटा ना समझे, आप देखेंगे ये इनिशियल है फिलहाल मेरा, जो मेरा फाइनल होगा वो बहुत बड़ा होगा, उस पर कदम जमाएं, मेहनत करते हुए जाएं, ये बेईमानी वाले सारे कॉन्सेप्ट छोड़ दें। जब आपको अपने आप पे यकीन होगा और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होगा ना, जब ये कनेक्शन जुड़ जाता है ना, ये वाला कनेक्शन, फिर इंसान की कामयाबी होती है। क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना और बिल्कुल मरने के करीब होता है, फिर उसे पता चलता है यार ये हम जिंदगी में तो हम कुछ और करने के लिए आए थे, जो मौत का फिश्ता बिल्कुल करीब आ जाता है। इसी तरह कोशिश करें कि आप खुद दिमाग से सोचें हर चीज़ के बारे में, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, मैं कितना सही कर रहा हूँ, मैं कितना आगे सही करूँ, मैं कितना हलाल कमा रहा हूँ, कितना हराम कमा रहा हूँ, कितना लोग से बुरा सलूक कर रहा हूँ। जब आप सोचेंगे सब कुछ बेहतर होता जाएगा, आप अच्छे फैसले लेना शुरू हो जाएंगे, जब आप अच्छे फैसले लेना शुरू हो जाएंगे लोग खुद आपके पास आ जाएंगे अपने फैसले करवाने के लिए, और आप फिर खुद देखेंगे, क्योंकि जब आप लोगों के फिर फैसले भी सही करेंगे, लोगों से मिले जुलेंगे भी, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग आप हमेशा याद रखेंगे, और आपके पास एक चैन बन जाएगी जो आपका हमेशा काम करते रहेंगे, और आपका नाम हमेशा जुड़ता रहेगा कि इस बंदे ने इस चीज़ की बुनियाद रखी थी, और इस बंदे को पता था ये जब चैन जुड़ जाएगी तो काम बहुत लंबा है। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी चैन